एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बार आईपीएल टाइटल दिलाकर ये साबित कर दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। माही साल 2008 से कप्तान रहे हैं। उनकी लीडरशिप में येलो आर्मी ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन का रिजल्ट बेहद निराशाजनक रहा था। सीएसके ने पिछले साल 14 में से मेहद 6 मुकाबले जीते और 12 अंकों के साथ वो पॉइंट टेबल में 7वें नंबर थी। ऐसा पहला सीजन था जब येलो आर्मी प्लेऑफ से बाहर थी। एमएस धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल की नाकामी को भुलाकर इस सीजन लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी और पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर रहकर इस साल उसने फिनिश किया, फिर खिताब जीतकर अपने फैंस को बेहतरीन तोहफा दिया। एमएस धोनी को आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तानों में शुमार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो लीडरशिप के मामले में रोहित शर्मा से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। हिटमैन ने अपनी कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है, वहीं एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार चैंपियन बनाया है। कौन सी टीम कितनी बार बनी चैंपियन, आइए आपको बताते हैं। मुंबई इंडियंस बनी है 5 बार, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 कप्तान रहे हैं रोहित शर्मा। चेन्नई सुपर किंग बनी है 4 बार, 2010, 2011, 2018 और 2021 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। कोलकाता नाइट राइडर्स कप्तान गौतम गंभीर की कप्तानी में लगातार 2 बार चैंपियंस बनी 2012 और 2014 में। सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार खिताब अपने नाम किया है और कप्तान थे डेविड वार्नर। डेक्कन चार्जर्स ने भी 1 बार जीता है ये टाइटल, उसके कप्तान थे एडम गिलक्रिस्ट और 2009 में डेक्कन ने अपने नाम किया था ये टाइटल। राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहला सीजन आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स के नाम था, जब उसके कप्तान शेन वॉर्न थे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।